चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी आर टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कंडक्टर्स ऑफ सेंटर ओ एंड कैरिंग करंट आई वन एंड आई टू एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। इफ रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज 1:2, ठीक है, द रेशियो ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी यानी मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू ए एंड बी इज 1:2, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो दिया हुआ है, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, करंट का रेशियो पूछ रहा है, तो आपको पहले तो ध्यान देना है कि करंट की डायरेक्शन क्या है दोनों कॉयल में। तो आंसर है एंटी क्लॉकवाइज दोनों में। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पे किधर होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में दोनों की वजह से, ठीक है, तो डायरेक्शन तो दोनों की वजह से सेम हो गई पहली बात। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पहले वायर पहले सर्कुलर कॉयल की वजह से ए की वजह से कितनी होगी, म्यू नॉट आई वन अपॉन टू आर वन, करेक्ट है, और बी टू की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट आई टू अपॉन टू आर टू, ये होता है। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन इसे कह दूं, सेकंड इक्वेशन इसे कर दूं, वन अपॉन टू कर दूं, वन अपॉन टू इक्वेशन वन अपॉन इक्वेशन टू कर दूं, तो क्या आएगा, बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू आई वन अपॉन आई टू इन टू आर टू अपॉन आर वन आएगा, ये आएगा। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख दो, आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इन टू आर वन अपॉन आर टू, ये हो जाएगा। अब बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू कितनी है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू दिया हुआ है 1/3, और आर वन अपॉन आर टू की वैल्यू दिया हुआ है 1/2, करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/2 1/6, सो आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू 1/6 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।